बस बाहर आके बच्चों के सपने और बच्चों के लाड प्यार सारे खत्म हो जाते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देख लिया स्नान की लाइफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। इंशाल्लाह आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे और आप अपने अपने घरों में बहुत 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 ज़्यादा इबादत करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सो जी हाँ, आज है जर्मनी में पहला रोज़ा और दोपहर दो बज चुके और हमने करने जाना है शॉपिंग, क्योंकि ना हमने रमज़ान की कोई शॉपिंग की ना हमने क्लीनिंग की। हमने सोचा था रमज़ान से पहले एक शॉपिंग का ब्लॉग डालेंगे, एक क्लीनिंग का ब्लॉग डालेंगे, पर कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि एक अर्जेंट काम आ गया था। सो उसकी वजह से सब कुछ रह गया। और तो अब हमारे पास एटलीस्ट खजूरें भी नहीं हैं कि हम अपना रोज़ा खोल सकें, तो अब हमें जाना है शॉपिंग करने। और एक और मज़े की बात, जर्मनी ने जो है एक नया रूल अनाउंस कर दिया है कि आप लोग जो हैं मास्क पहनना कंपलसरी हो गया है। आप अगर मार्ट में भी हैं शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको मास्क जो है लगा के रखना है ताकि आप वायरस से बच सकें। आपका भी फ़ायदा है, दूसरों का भी फ़ायदा है। सो ये है, और रोज़ा मेरा अच्छा गुजरा है। मतलब मुझे भूख नहीं लगती, प्यास लगती है, पर वो भी बस अभी नॉर्मल है क्योंकि अभी मौसम इतनी गर्मी नहीं है। यहाँ पर धूप कभी धूप निकलती है, देख के पता चल रहा होगा, कभी एकदम धूप निकलती है, एकदम छांव हो जाती है। तो अभी मौसम इतनी गर्मी नहीं है मतलब, लेकिन और सर्दी भी नहीं है लेकिन। सो जैकेट का मौसम सब कुछ चला गया, जैकेट ख़त्म हो गई हैं, सिंपल स्वेट शर्ट में जाएंगे और अरसान पे सब काम कर ले तो हम निकलते हैं। अरसान क्या ये आ गया अरसान, मेरा बहुत अच्छा गुजर रहा है और आज मैं बहुत एक्टिव हूँ। हाँ वो देख के बचा क्या होगा एक्टिव। और ये साल का पहला रोज़ा है इस साल का। चलो शुक्र, इस साल का पहला रोज़ा है, पता नहीं छोड़। सो बस मिलते हैं आपसे बाहर जाके। सो बाय, गई आप क्यों? सो गाइस वी आर ऑल सेट, हम स्टॉप पे खड़े हुए ट्राम का वेट कर रहे हैं। ट्राम आने वाली है हमारी और फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। सो रश है, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। मास्क लोगों ने फैशनेबल। इस्लाम को अगर कमेंट में करके बताएं, ये शर्मा रहे कैमरे पे आने में, कहते हैं मेरे बाल ख़राब करते हैं। एक तो लोगों ने इतनी तारीफ़ें की हैं, इतनी मज़े कमेंट्स किए हैं, मतलब जहाँ पे हम कर रहे हैं जहाँ पर भी कहते हैं कि बड़ी अच्छी जॉब की है, पर ये ना शुक्र है इंसान कुछ नहीं है। और ये मैं कहता हूँ बदला लूँगा, किस चीज़ का बदला लेगा ये, इतने अच्छे बाल खाते मैंने, इस चीज़ का बदला लेगा ये मुझसे? अगर मैं कभी किसी कसाई के हाथ में अपनी बाल दे दूँ, उसके हाथ को भी अंदर बना रही है, इसको पता नहीं कैंची कैसे चलाते हैं, ये क्या करेगा मुझे, मेरे इतने अच्छे बाल उसके अंदर आती है। आप खुद बताएं, ये कोई इंसाफ है? मैं तो ऊपर से रोज़े हैं, 4 मई को दिखाने शायद खुल। हाँ नेक्स्ट ईयर अगर तक कैमरे में नहीं आऊँगा। 4 मई को वैसे भी शॉप शायद खुल जाएँ बार्बर की, अगर ना खुली तब मैं सोचूँगा। हाँ अगर 4 मई को ना खुले तब मैं सोच सकता हूँ तेरे बाल दिखाने का। हाँ बस अभी 4 मिनट पे तो देखें क्या होता है, 4 मिनट को शॉप खुलती हैं कि नहीं खुलती हैं। और उसके अलावा एक और बात यह कि बस हम इंडियन शॉप से होकर आ गए हैं और हम जा रहे हैं दूसरी वो वहाँ पे जहाँ पे पहले भी हम जा चुके हैं वहाँ पे, वहाँ से कुछ चीज़ें लेंगे और फिर फाइनली घर जाएंगे, क्योंकि रोज़ा लग रहा है, गर्मी बहुत चुकनी है, बड़ी गर्मी है। सीरियस की शुक्र है जैकेट नहीं पहनी। और पहली शॉप में मसला क्या हो गया, वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वहाँ पर बाद में याद आया कि वहाँ पर तो कार चलते ही नहीं है, वहाँ पर तो कैश चलता है। तो वापस हम चीज़ें लेके वापस चीज़ें रख कर वापस गए वहाँ पे और वहाँ से पैसे निकलवा के फिर वापस गए, तो बहुत सवारी हो गई, इसलिए थक गए और टाइम भी काफ़ी हो गया। 5 बज गए इस वक्त और अभी हमने चीज़ें लेने जा रहे हैं और फिर वापस जाएंगे और फिर रफ्तारी पर फिर कुछ खाने को बनाएंगे। सो इसलिए बस जल्दी जल्दी बस वहाँ शॉपिंग करके तो आपको हम घर जाने से पहले ही आपको अलविदा कर देंगे दोस्तों। सो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने को मिल जाए। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी सैरी और रफ्तारी की रूटीन दिखाऊंगा। ओके बाय। और हमें अभी भी पता चला है कि आपसे बातें करते करते हम एक स्टॉप आगे आ चुके हैं, हमारे सामने से जब हमें गाड़ी चली तो पता चल गया कि हमारा जो मॉल है वो गुजर चुका है और अब हम चल रहे हैं पैदल। हम इंतज़ार करेंगे कि नई गाड़ी आई, और सब इस शख्स के बालों की वजह से हुआ जो अपने बालों को रोता रहता है जो लोग बैठ के। देखें इसकी हालात, ये रोज़े में खबार खुद को भी कर रहा है और मुझे भी खबार करवा रहा है ये बंदा। और देखिए धूप, देखें धूप से आपको पता चल रहा हो कितनी गर्मी हो गई है। रोज़े जैसे ही आए हर जगह गर्मी, भाई ये रोज़ गर्मी जर्मनी वगैरह देख के नहीं आती, गर्मी कहीं भी आ जाती है।
तो मैंने कहा आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हम शॉपिंग करने जाते कैसे हैं। ये बैग देख रहे हैं आपने, ये वाला बैग, ये हाइकिंग वाला बैग है। इस जो हम जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, मंथली मतलब जाते हैं या काफ़ी अर्से बाद, तो हम ये बैग ले जाते हैं साथ, दूसरे भी बैग, तो ये बैग पूरा भर जाता है माशाल्लाह से। अभी भी याद है इसमें चीज़ें आ चुकी हैं और ये फुल भर जाएगा। और ये आसानी रहती है, मतलब हाथ में कुछ नहीं होता, एक बैग सेफ रहता है, मतलब कुछ भूल नहीं सकते ना कहीं पर आप ट्राम में भूल गए तो मसला हो जाता है। इससे अच्छा बैग सही है कि एक ही बैग हो, सुथरा हो बस। जो कहते हैं बाहर कर रहे हैं, बाहर नहीं हुई चीज़ शॉक हो सकती है यार, मोबाइल नहीं कर रहा कहता है वो निकल गया मोबाइल। एक सब आगे आगे सारे पांच हो गए और अभी हम यहाँ पे भी अपने शॉपिंग करने जाने। फाइनली माय ड्रामा गई, याहू। और ये आ गई हमारी जहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं, हमने देखा होगा ये जगह। तो गाइस अब हम शॉपिंग करके आ चुके हैं और अब हम बस का वेट कर रहे हैं, तो फिर हम जाएंगे घर। और ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई मॉल में, तो अरसलान साहब को वहाँ पे छींके आना शुरू हो गई थी, तो हमने कैसे पहले वो हमें निकाल दें, जूते मार के अरसलान निकाल दें, हम खुद ही निकल जाते हैं। हम कुछ कहना चाहेगा बस को बुला लो, मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो गया अरसलान? क्या है आप, अरसलान को बहुत सख्त रोज़ा लग रहा है और अरसलान अभी आपको छींक मार के दिखाएगा। चेंज नहीं आ रही अभी। अरसलान पहली दफ़ा, आई थिंक अरसलान की जिंदगी लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा है कि अरसलान ने रोज़ा नहीं रोज़ा रखा है और अरसलान इतना घूम रहा नहीं। तो पाकिस्तान में अरसलान को जब भी अरसलान ने रोज़ा रखा है ना, तो वो कहता है मैं जिस दिन मैंने बाहर नहीं निकलना उस दिन मैंने रोज़ा रखना है। सही बात है, राइट। तो बस बाहर आके बच्चों के सपने और बच्चों के लाड़ प्यार सारे ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देख लिया अरसलान की लाइफ। तो गाइस बस में हम फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बस आ चुकी है और ये अरसलान की हालत देख लें आप लोग, ये अरसलान बिल्कुल दम हो चुका है। सो बस अब इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि घर जाके अभी खाना भी बनाना है, अपने इफ्तारी जो भी है बनाना है। सो आप तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे एट होम। निशान पड़ गया नाक पे, ये देखा मास्क का निशान। आई हेट।